हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं कोसी रिवर की तरफ, और साथ में आज मेरे हेड जैक और साथ में ये लड़का भी। तो चलो अभी चल रहे हैं कोसी रिवर की तरफ, और ज़्यादा टाइम तो वेस्ट करते नहीं है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि कोसी रिवर पे अभी टाइगर है और टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है दोस्तों वहाँ पर। तो चलो चलते हैं और देखते हैं टाइगर को क्या हम स्पॉट कर पाते हैं या नहीं, क्या वो हमारी रिकॉर्डिंग में आता है या नहीं। अगर आता है तो वेल एंड गुड, तो आपको दिखाते हैं। नहीं आता है तो दोस्तों आपको वेदर तो देखने को मिल ही जाएगा, बट इतना कंफर्म है कि हाँ कोसी जा करके हमें टाइगर आज ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पक्की खबर है कि वहाँ पे टाइगर है। तो चलो अभी चलते हैं सामने की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग आ चुके हैं कोसी रिवर की तरफ, और साथ में जैक भी मेरे आगे आगे चल रहा है, और सामने जैसे कि वो लड़का पहुंच चुका है कोसी रिवर के किनारे पर। तो अभी वो वहां पर है और अभी मैं भी जा रहा हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे आपको कुछ कपड़े नज़र आ रहे हैं, तो इस जगह पे आए थे कुछ लोग कपड़े धोने कोसी रिवर की तरफ। तो इन्हीं लोगों ने बताया कि सामने टाइगर है और टाइगर ने गाय को मार दिया है। तो अभी आ चुका हूँ कोसी रिवर में, तो आपको दिखाता हूँ कोसी रिवर का अभी ये कुछ व्यू सामने है। इस जगह पे काफ़ी सारी गाय जो कि अभी बाघ की डर से हो चुकी हैं एक सामने इकट्ठा। तो शायद क्या पता इन्होंने भी देखा हो बाघ को, और अभी ये सारे एक सामने हो चुके हैं इकट्ठा। और सामने की ओर आपको दिखाऊं तो सामने इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हैं कुछ लोग खड़े, जैसा कि सामने इस जगह पे। तो सबसे पहले इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस जगह पे है बाघ, तो ये लोग भी आए हैं अभी देखने, जो कि चले गए हैं नदी में काफ़ी नीचे। तो हम लोग तो अभी नीचे की तरफ गए नहीं हैं, अभी हम लोग हैं यहीं पर और यहाँ से ट्राई कर रहे हैं क्या कुछ देखने को मिल पाता है या नहीं। लोगों को सबसे पहले खबर मिली थी, तो ये लोग हमसे पहले यहाँ पे आ चुके हैं और उसके बाद आए हैं हम। तो यहाँ पे अभी आएंगे काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, और जहाँ तक है कि सभी को टाइगर देखने में अच्छा लगता है, बट वो जब किल करता है ना तो वो सबसे गंदा लगता है कि वो हमारे पालतू जानवरों को मार देता है। वो सबसे गंदा मोमेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक जानवर को पालने में, तो वो इतने आसानी से मार देता है, तो जो कि होता है एक बेहद ही दुख भरा पल। तो अभी सामने की ओर आपको दिखा रहा हूँ मैं चारों तरफ अपने, क्योंकि मैं अभी अपने चारों तरफ बनाए हूँ नज़रें, क्योंकि ऐसा नहीं कि सामने ये टाइगर है और कोई टाइगर नहीं हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टाइगर्स और भी हो सकते हैं, तो सामने बना है जैसे कि ये रास्ता, और सामने बैठा था एक लड़का। तो चलो अभी मैं जाता हूँ उसके पास और वहाँ से देखते हैं दोस्तों क्या देखने को मिलता है। तो अभी चलो मैं जा रहा हूँ सामने की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये नदी में रखे थे कुछ पत्थर, जिन पे चलकर मैं जा रहा हूँ अभी उसके पास। तो फ्रेंड्स सामने की ओर है टाइगर, जिसे कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ उसे, और सामने अभी है। सामने जैसे कि आपको टापू दिखाई दे रहा होगा जिसे मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो सामने ये टापू है, इसके पास में है पानी। तो कुछ देर पहले ही यहीं पे बैठा हुआ था, तो अभी आ चुका है टापू की ओर। तो मैं थोड़ी जा रहा हूँ आगे की ओर, तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से जूम इतना काम नहीं कर रहा है। तो चलते हैं थोड़ी आगे की ओर और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर को कहाँ जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं अभी हो चुका है पूरी तरह से शांति भरा माहौल, पूरी तरह से है शांति अभी यहाँ पर। तो हल्की सी नदी की जो साउंड है वो आ रही है, और सामने देखने में लग रहा है वेदर काफ़ी खूबसूरत, और जैसा कि मैं तो देख चुका हूँ, बस आपको दिखाने के लिए अभी कर रहा हूँ इंतज़ार। तो अभी बैठा हूँ कोसी रिवर पर और कोशिश कर रहा हूँ कि कब उस बीच वाली जगह से, जो कि नदी का बीच का हिस्सा है जहाँ पे है पेड़ और कुछ झाड़ियाँ, जहाँ पे कि उसने किया है गाय का किल, तो वो कितनी देर में वहाँ से निकल कर आता है।
तो अभी बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा पाऊँ मैं अपने यहाँ से टाइगर, जो कि अभी अकेला टाइगर है और जिसने किया है गाय का किल। और सामने आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं हूँ कोसी रिवर पे, और सामने जैसे कि सामने को ये पेड़ सा दिखाई दे रहा है हल्का सा, तो इस जगह पे को थोड़ी उस साइड में उसके है पानी, और जहाँ पे कि अभी था टाइगर बैठा हुआ पानी में, तो वहाँ से उठकर आ चुका है वो इस बीच वाली जगह पे, जहाँ पे कि आपको ये पेड़ और झाड़ियाँ दिख रही हैं, तो इस जगह पे अभी वो है। बस उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कैसे वो बाहर में निकल कर आए और कैसे भी करके मैं आपको उसे दिखा पाऊँ। तो देख पा रहे होंगे आप अभी कैसी हालत हो रही है मेरी इस पसीने से, और सामने गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बस यही है कि ये सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आपको भी मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि हम लोग तो अक्सर टाइगर को देखते रहते हैं और हमें टाइगर देखने को मिल जाता है। तो जब से मैं अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अभी तक टाइगर को नहीं कैप्चर कर पाया था। तो आज मैं आया था कोसी नदी के किनारे, तो मैंने आज यहाँ पे देखा टाइगर, और जिसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करने में लगा हूँ। तो अभी सामने, अभी कोसी रिवर पे हूँ और सामने आपको दिखाऊँ मेरे इस साइड में, तो अभी कुछ इस तरह का बनाया है सामने का वेदर, और जो कि है बेहद खूबसूरत। तो दोस्तों बस इंतज़ार हो रहा है कि कैसे करके वो देखने को मिल जाए और उसे मैं आपको दिखा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अभी सामने आप देख पा रहे होंगे पानी का कलर हो चुका है धुंधला, और सामने बैठा है जो हमारे साथ आया है कुत्ता। तो अभी सामने बैठा है कुत्ता पानी में, और ये कर रहा है अभी पानी को फुली इंजॉय। सेम कि आप यही सोच सकते हैं, जैसे कि मैं सामने की ओर आपको दिखा रहा था कुछ देर पहले कि वहाँ पे है टापू, और टापू के जो राइट हैंड में कहें दोस्तों आप, उस जगह पे है पानी, और वो पानी है सीर का, और जो होता है काफ़ी ठंडा। जैसे कि सामने ही टापू है, टापू की दूसरी तरफ है ठंडा पानी, और जिसपे शेर बैठा हुआ है और थोड़ी देर बैठ रहा है, जैसे ही उसे लग रहा है कि उसका शरीर हो जा रहा है ठंडा, उसको पकड़ने के लिए ना आए, उसे भगाने के लिए आवाज़ ना करे। तो सामने यहाँ पे जहाँ पे टाइगर है, इस जगह पे ये आ रही है जंगली लोमड़ी, आप देख पा रहे हैं। तो सामने को ये चलते हुए आ रही है अभी, और आ चुकी है टाइगर के पास ही। तो सामने अभी टाइगर भी है, देखते हैं, क्या पता इसे देख करके टाइगर आ जाए बाहर, क्योंकि इसे आ चुकी होगी मांस की गंध, तो शायद इसे लगा होगा कि इसके आसपास कहीं है शिकार, तो ये शिकार की खोज में आ चुका है। और इसे भी टाइगर से यहाँ से कुछ मूवमेंट करता है या नहीं वो भी देखते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ सामने टाइगर जूम करके, तो सामने अभी यहाँ पे बैठा है टाइगर। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे है टाइगर दोस्तों, अभी जो अभी पानी में बैठा हुआ है। तो अगर ये उठकर जाता है तो आपको दिखाता हूँ, फिलहाल अभी यहाँ पे बैठा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर है और वहीं पे है शाव भी, देख रहा हूँ बगल में शाव है वहाँ पे, वो बैठ रखा है उसके इधर थोड़ी, इधर 5-10 हाथ शाव खड़ा है वहाँ। मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा ये पानी में एकदम डूब के बैठ रखा है यार, और उस जगह पे थोड़ी अंधेरा आ जा रहा है ना।
सामने अभी टाइगर है और इसने पूरा फोकस किया है अभी हमारी तरफ। तो सामने लोमड़ी भी अभी थक हार करके कभी जा रही कभी आ रही है, और ये सामने अपना कोशिश पूरी है कि आपको दिखाएंगे टाइगर आज जरूर। बैठे हैं काफ़ी देर से, आज आपको टाइगर दिखा कर ही दम लेंगे। तो कुछ इस तरह से अभी बैठ चुका हूँ पेड़ों की छाया में, और सामने इस जगह पे को है टाइगर। देख रहे हैं, टाइगर देखना इतना आसान नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि कितनी आसानी से टाइगर आपको देखने को मिल जाएगा। खैर, हमने देख लिया, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा है, हमने टाइगर देख लिया है। बस ये जो तपस्या हो रही है सिर्फ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो हो जाएं सेटिस्फाई और उन्हें भी देखने को मिल जाए टाइगर। तो दोस्तों, ये सिर्फ जो मेहनत कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए है, और ये आप लोगों का जो प्यार है उसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, जो कि मुझे भरपूर मिल रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं जंगल के राजा को कैप्चर करना कितना टफ होता है। सो उसी उम्मीद के साथ मैं अभी बना हूँ यहाँ पे, और आप भी बने रहें ब्लॉग में। तो फाइनली हो चुकी काफ़ी देर और सामने आया हूँ, तो सामने अभी यहाँ पे है टाइगर, तो जिसे मैं आपको फाइनली अभी दिखा देता हूँ। तो आप बने रहना और देखना इस टाइगर का मूवमेंट। तो सामने अभी टाइगर देखिए, ये उठ चुका है, देख पा रहे हैं आप, ये अभी यहाँ से चलने लगा है। देखिए सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को और चला गया है जंगल में। तो सामने अभी इस तरफ आ चुकी हैं ये दो लोमड़ियाँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सामने एक लोमड़ी यहाँ पे और एक लोमड़ी है नीचे, तो ये दो लोमड़ी हैं और ये भी कर रही हैं टाइगर के जाने का इंतज़ार। तो टाइगर अभी यहाँ से निकला नहीं है, जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा तो शायद कुछ बाइटिंग करने को इन्हें भी मिल जाएगी उसके शिकार की यहाँ पर। तो सामने की ओर इस जगह पे है टाइगर अभी, और जिसका कर रहा हूँ मैं भी काफ़ी देर से इंतज़ार कि कब वो बाहर निकल कर आता है। और जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ एक झलक, तो वो झलक दिखाई थी मैंने आपको सामने, उस जगह से नीचे गया था मैं काफ़ी दूरी पर, तो वहाँ से दिखाया था, और अभी आ चुका हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ी सोच रहा हूँ कि अगर वो निकल कर आएगा, अब शाम का समय होने जा रहा है, तो शायद इस जगह से क्रॉस करते हुए वो दिख जाए और मैं आपको उसे दिखा पाऊँ। तो अभी सामने हो चुका है शियार, परेशान और कर रहा है काफ़ी तेज़ आवाज़, क्योंकि उसे भी पूरा दिन हो गया उसका इंतज़ार करते हुए कि कब वो शिकार छोड़ेगा, कब उसे खाने को मिलेगा। तो आप सुनिए जब तक सियार की आवाज़। तो दोस्तों, अभी फाइनली हो चुका है अंधेरा, जैसे कि आपको दिखा अपने चारों ओर मौसम, तो आप देख पा रहे होंगे अभी मौसम भी बदल चुका है। तो अभी रुका हुआ था यहाँ पे और सोचा कि आपको फिर से दिखाऊं उसका लास्ट मोमेंट, जैसा कि ये सामने। तो
तो अभी जैसे कि सामने इस जगह पे बैठा है टाइगर, आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, तो अभी ये यहीं पे बैठा हुआ है क्योंकि इसने किया है किल, और ये थोड़ी देर यहाँ से उठकर जा रहा है और फिर वापस इसी जगह पे आ जा रहा है। तो शायद जैसे कि मैंने इसको अपने पहले वीडियो में रिकॉर्ड किया तो उस टाइम पर ये हल्का लंगड़ाते हुए चल रहा था इसका एक पैर, तो अभी सेम थिंग कि अभी यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं कर रहा हूँ इसका जाने का इंतज़ार। तो सामने अभी शायद ही आप उठने वाला है तो आपको दिखाता हूँ। ये चढ़ गया यार, क्या हो गया, उधर चल रहा है, बैठ रहा है, वहीं बैठ रहा है, खतरनाक है ना। अभी निकलने वाला नहीं है यहाँ से, गाय है कहाँ पे, ऊपर ले जाओ ऊपर, खा के फिर नीचे आ जा रहा हूँ, और थोड़ी खा रहा है फिर नीचे आ रहा है, दो शाव भी आ रहे हैं, बहुत तगड़ा, मैं उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ कि कैसे करके यहाँ से इधर को भागे, अब तो शाम का समय भी हो गया है। तो फाइनली मैं सोच रहा था कि आपको सामने जैसे कि ये वाली जगह दिखाई दे रही, पूरा ये रोखड़ सा कुर्सी का हिस्सा, पत्थरों वाली जगह, तो इस टीले से होकर टाइगर जब इधर को जंगल की ओर चला जाता तो मैं आपको दिखा पाता, बहुत अच्छा शॉट। तो क्या करें, अभी टाइगर उसी टीले पे बना हुआ है और अभी आ नहीं रहा है बाहर की ओर, तो इसलिए अभी जैसे कि शाम के बज चुके हैं दोस्तों 7, और 7 बजे तक मैं यहाँ पर था, और अभी सोच रहा हूँ पता नहीं कब तक वो आएगा, और थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन का कैमरा भी काम करना कर लेगा बंद, तो ये भी कैमरा काम नहीं करेगा तो शायद मैं शॉट नहीं ले पाऊँगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, मगर ये सामने इस टापू से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इसे काफ़ी देर से दो शियार लोमड़ी भी कर रहे थे परेशान, और ये जब भी नहीं आ रहा था, और जैसे कि वीडियो में आपने नोटिस किया होगा तो उसमें जब टाइगर चल रहा था तो चलते टाइम उसका जो अगला पैर था तो उसमें ना ऐसे फील हो रहा था जैसे कि उसे लगी है चोट, तो थोड़ी लंगड़ाकर चल रहा था। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर और इंतज़ार करके अगर दिखा पाया तो आपको दिखाता हूँ। बाकी फाइनली दोस्तों आज मैंने आपको टाइगर दिखा दिया है, और कोशिश करूँगा कि आपको और प्यारा सा शॉट दे सकूं और अच्छे करीब से उसे जा करके दिखा सकूं, बट मैं करीब से नहीं जाऊंगा, थोड़ी अपने कैमरे का जो फ़ोन का जूम है उसे ट्राई करूंगा और उससे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर दिखा पाया तो ठीक, नहीं दिखा पाया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अभी हूं मैं यहाँ पे और थोड़ी देर में कर लूँगा इस ब्लॉग को समाप्त। तो फाइनली दोस्तों अभी आ चुका हूँ घर की तरफ, तो जितना भी आज आपको शॉट दिखाया वही दिखा पाया, तो करते हैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।